पांच फोरप्ले की टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आपकी पार्टनर बहुत सेटिस्फाई हो जाएगी। चलो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्या फोरप्ले अति आवश्यक है? सेक्स का मतलब सिर्फ योनि में लिंग का प्रवेश करना, घर्षण करना और डिस्चार्ज करना, इतना ही नहीं है। सेक्स में फोरप्ले है, फिर प्ले है मतलब इंटरकोर्स है, और आफ्टर प्ले है। फोरप्ले में ही आपका पार्टनर बहुत सेटिस्फाई होना चाहिए, और उसके लिए मैं आपको पांच टिप्स बताने वाला हूँ। नंबर एक, आपने देखना है पहले कि भाई आपको बहुत आराम आराम से आना है। यू हैव टू गो स्लो, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। और जल्दबाजी करेंगे तो फिर क्या होता है कि पुरुष को लगता है कि जल्दी इंसर्ट करो, जल्दी चालू करो। औरत को वो नहीं चाहती है, वो चाहती है कि प्यार। तो पहले गो स्लो, आराम आराम से, आराम आराम से करने का है। उसके बाद में बातचीत करो, उसको पूछो कि आपको कहाँ अच्छा लगता है टच किया, तो कुछ रोमांटिक बातें कर सकते हैं आप, और गप्पे मारते मारते आराम आराम से फोरप्ले करने का है। नंबर एक। नंबर दो, उसको पूछो कि इरोजिनस जोन्स कहाँ है, मतलब कहाँ उसको टच करने से, मसाज करने से उसको अच्छा लगता है। जैसे लिप्स है, होंठ, गाल, गर्दन, फिर शोल्डर्स, निप्पल, बटक्स, फिर काफ मसल्स, कान, ऐसे अलग अलग जोन्स हो सकते हैं अलग अलग स्त्री के लिए, कि वहाँ उसको मसाज किया या टच किया या किस किया तो उसको बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा इरोजिनस जोन कौन सा है? क्लाइटोरिस, अर्थात मतलब योनि लिंग। तो योनि लिंग और वजाना की बाहर की एरिया जो है बहुत ही सेंसिटिव रहती है, और उसको भी आप टिकलिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग फोरप्ले, करना ही चाहिए। उससे क्या होगा, उससे वो काफ़ी एक्साइट हो जाएगी। नंबर तीन, फीमेल ऑर्गेजम उसमें हो सकता है, मतलब फोरप्ले करते करते, खेलते खेलते उसको जो उच्चतम परिसीमा जो है आनंद की, वो आ जाती है, जिसको क्लाइमैक्स या ऑर्गेजम बोलते हैं, उसमें आ जाएगा। मतलब इंटरकोर्स करने की या एक्चुअली सेक्स करने की जरूरत नहीं, उसके पहले उसकी शांति हो जाएगी, उसको समाधान हो जाएगा, उसका क्लाइमैक्स हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सेकंड राउंड के लिए तैयार हो सकती है, और उसमें सेकंड राउंड में वो अधिक आनंद ले सकती है। मगर फोरप्ले में पुरुष ने ये भी देखना है कि भाई अपना खुद का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका यदि डिस्चार्ज हो गया तो फिर पुरुष का इंटरेस्ट एकदम ही निकल जाता है, इरेक्शन खत्म हो जाता है, मतलब कठोरता निकल जाती है, और दूसरे राउंड को तैयार होने के लिए पता नहीं उसको जो रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं कितना समय लगेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे कितना भी लग सकता है। तो फोरप्ले में स्त्री का डिस्चार्ज हुआ तो चलता है, पुरुष का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है टेलर टू गेट इन्वॉल्व। इसका मतलब है कि भाई उसको बोलो कि तुम्हारा भी इन्वॉल्वमेंट होना, तुम्हारे भी पार्टनरशिप होना जरूरी है, और आपने बोलना है पुरुष ने कि भाई मुझे कहाँ अच्छा लगता है टच किया, तो मेरे कौन सी इरोजिनस जोन्स है। और जब वो इन्वॉल्व होती है तो उसमें फोरप्ले में अधिकतम मजा आता है, और उसको भी उसमें मजा आता है। और जब वो इन्वॉल्व होती है तो वो भी एक्साइट होती है, पुरुष भी एक्साइट होती है, और एक्चुअली इंटरकोर्स में बहुत ज़्यादा मजा उसकी वजह से आता है। पांचवा पॉइंट है, वो है लुब्स का इस्तेमाल करना। लुब्रिकेटिंग क्रीम्स जो आती है, वाटर बेस आती है, बहुत ही अच्छा है, तो वो आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके एक्साइटमेंट आता है, उसको फ्रिक्शन करना, उसको लगाना, उससे मसाज करना। फिर तेल के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बोला हुआ है, तेल का वापर करो, मसाज करो तेल से। परफ्यूम, मतलब रूम में परफ्यूम आप लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, अपने बॉडी के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। मेकअप करके भी बेड पे जाना है। मेकअप मतलब ऐसा है कि स्त्री जैसा मेकअप करती है बाहर जाने के लिए, वैसा मेकअप करके आती है, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और उसको भी, और आपने भी ऐसा जाना है कि भाई आप भी तैयार होकर कोई रिसेप्शन को जा रहे हैं। और लाइट्स वगैरह आप अच्छे कर सकते हैं, किसी को हरा लाइट एकदम अच्छा लगता है, लाइट हरा लाइट है एकदम हल्का सा, किसको ब्लू लाइट अच्छा लगता है तो ऐसे लाइट, किसको अंधेरा अच्छा लगता है तो वो लाइट का इस्तेमाल आपने करना है। तो ये पांच पॉइंट है, ये पांच पॉइंट का इस्तेमाल आप करते हैं तो डेफिनेटली फोरप्ले में मजा आएगा, और फोरप्ले में मजा आके आपकी पार्टनर जो है वो बहुत खुश आनंदी रहेगी सेक्स में, नेचुरली आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी हो जाएगा। तो ये पांच पॉइंट है, नंबर एक गो स्लो, नंबर दो इरोजिनस जोन्स पूछो, नंबर तीन फीमेल ऑर्गेनम हो सकता है, मेल ने डिस्चार्ज नहीं होने देने का है, नंबर चार उसका इन्वॉल्वमेंट होने के लिए उसका प्रॉमिस ले लो, उसको एनरोल करो, नंबर पाँच लुब्स, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे, मेकअप, लाइटिंग, इसका इस्तेमाल करो। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा उत्साह उससे बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे
वीडियोस है, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।